हेलो बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 352 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एग्जिबिट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एज यू नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इंटरकन्वर्टेबल। इफ टू कंपाउंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इच अदर इट मीन्स व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। इट मीन्स व्हेन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस देन वन स्ट्रक्चर विल बी कन्वर्टेड इंटू अनदर स्ट्रक्चर। ओके, सो पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। इट मींस बोथ आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सेकंड ऑप्शन देयर इज अ कंजुगेशन सिस्टम ऑफ पाई सिग्मा लोन पेयर व्हेन लोन पेयर विल डीलोकलाइज एंड पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज टू एट दिस कार्बन then CH2 become CH2 minus but it is CH3, that's why both are not resonating structure। third option में बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर है, when लोन पेयर will delocalize towards positive charge then sigma will be converted into pi bond। तो आप देखोगे कि ये वाला स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं आपको बताऊँ कि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के resonating structure होंगे तो इट मीन्स बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल मीन्स है ना कि जब आप किसी वैसे तो दोनों में रेजोनेंस होगा तो पहले में होगा तो दूसरा बनेगा, दूसरे में होगा तो पहला बनेगा, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको कंजुगेशन सिस्टम दिखेगा। और कंजुगेशन सिस्टम के आधार पर जब आप पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेंगे उसमें तो जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे में कन्वर्ट होगा और सेकेंड स्ट्रक्चर जो होगा वो पहले में कन्वर्ट होगा। जैसा कि हम ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं व्हेन डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज देन फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रल एंड निगेटिव विल बी कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रल। दैट्स वाई सेकेंड स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इंटू फर्स्ट स्ट्रक्चर। दैट्स वाई बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों ऑप्शन नंबर डी भी अगर आप घर से देखेंगे तो सेम टू सेम नहीं है बच्चों। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर भी निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव के कारण रेजोनेंस तो हो सकता है, बट ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों ये है ना ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है ये हाईली अनस्टेबल है। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन सिस्टम दिख रहा है, इट मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज देन सेकेंड स्ट्रक्चर विल कन्वर्टेड इंटू फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट अगर मैं फर्स्ट से सेकेंड बनाना चाहूँ तो बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट से सेकेंड बनाना चाहूँ तो कैसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये समझना पड़ेगा आपको। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है ऑक्सीजन। इसका मतलब यह हो गया कि ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींचेगा। तो जब यहाँ पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा CO बॉन्ड में तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन के तरफ मूव करेंगे एंड व्हेन दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवार्ड्स ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन बिकम O माइनस एंड कार्बन बिकम C प्लस। सो करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी those in which negative charge is present at oxygen and positive charge is present at carbon। okay बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं ये भी समझता हूँ कि आपको इसमें confusion जरूर हुआ होगा। clear है? जब आप conjugation system को देखेंगे तो आपको लगेगा कि resonance तो होगा, होना चाहिए, but यहाँ resonance नहीं होगा। Why resonance will not take place? Because you know that when resonance will take place, then both structure will be interconvertible. It means first structure will be converted into second structure and second structure will be converted into first structure. Here there is a conjugation system in second compound.
second compound, and second will be converted into first, but first structure will not convert into second. That's why in D option both are not resonating structure of each other. I hope you get correct answer. Option E, both structure are completely different. There is no conjugation system in first structure, and there is no conjugation. It means no resonance will take place, है ना बच्चों? और ये दोनों compound एक दूसरे के resonating structure हो ही नहीं सकते. Why not resonating structure will be? Because delocalization of atom takes place. आप देख सकते हो कि ये जो oxygen है ना बच्चों, ये बीच वाला जो oxygen है, ये बीच वाला oxygen यहाँ से move करके terminal पर चला गया. और आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर ई जो है बच्चों, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते. नाउ इन क्वेश्चन 353, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज. सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि देखिए, टोटल चार्ज जो होता है ना बच्चों, टोटल चार्ज जो होता है वो रिमेन सेम होता है. अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों चार्ज कितना है, देखिए एक ही पॉजिटिव चार्ज है. तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें भी एक ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. बट आप अगर ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो बच्चों यहाँ पर देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं. टोटल पॉजिटिव चार्ज दो हैं. इसमें पॉजिटिव चार्ज एक था, इसमें पॉजिटिव चार्ज दो हैं. आ रहा है समझ में? टोटल चार्ज जो होगा ना बच्चों, वो हमेशा रिमेन सेम होगा. पॉजिटिव चार्ज भी सेम होंगे, नेगेटिव चार्ज भी सेम होंगे. क्लियर है? तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली हम देख सकते हैं, डी होगा. और दूसरा तरीका है कि आप इसमें रेजोनेंस कराएं. रेजोनेंस कराने के बाद भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है पाई सिग्मा पॉजिटिव. इट मीन्स दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, and positive charge comes from this carbon to at this carbon, and this structure will obtain. इसके बाद क्या होगा बच्चों? फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन दिख रहा है. तो यहाँ से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, then सिग्मा will converted into pi and pi will converted into sigma, and this positive charge comes from this carbon to this carbon. So this second option B structure is obtained due to delocalization of pi electron. And here lone pair sigma positive conjugation system is present. That's why lone pair will delocalize, and when lone pair will delocalize, then this sigma will convert it into pi, and structure C is obtained as a resonating structure. बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना बच्चों, इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमने यहाँ पर रेजोनेंस करा करके देख लिया, ये कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में प्राप्त नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 354, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजोनेंस डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट प्ले अ रोल. है ना बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको सभी स्ट्रक्चर बनाने हैं, और सभी स्ट्रक्चर बना करके जो पॉजिटिव और नेगेटिव या फ्री रेडिकल होगा उस पर फोकस करना है बच्चों, ठीक है ना. और फिर आपको देखना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्री रेडिकल जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना. ये वही बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजोनेंस डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट प्ले अ रोल. मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव या फिर फ्री रेडिकल जो है बच्चों वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एलाइलिक केटायन में बच्चों CH2 डबल बोन CH, और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. आप देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. दैट्स व्हाई पॉजिटिव दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस.
एंड व्हेन रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस देन सिग्मा बिकम पाई एंड पाई बिकम सिग्मा एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल कम्स फ्रॉम एट दिस कार्बन टू दिस कार्बन। क्लियर है बच्चों, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है। फिर उसके बाद बच्चों बेंजाइल एनायन, बेंजाइल एनायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजाइल एनायन का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, बेंजाइल एनायन के स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है बच्चों ये जो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से मूव करेगा टुवार्ड्स सिग्मा एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल कम एट दिस कार्बन एंड व्हेन डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस देन दिस सिग्मा विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई एंड दिस पाई विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा। ओके बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कार्बोनेट आयन जैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पर ओ माइनस, यहाँ पर भी ओ माइनस, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे आप यहाँ पर डीलोकलाइजेशन करेंगे बच्चों तो सिग्मा पाई बनेगा, पाई सिग्मा बनेगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ऐसे ही ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता है ओजोन का स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे, है ना। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब आप यहाँ पर रेजोनेंस कराएंगे बच्चों तो ये वाला इधर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए। तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जब हम लोग साइक्लोहेक्साइल रेडिकल बनाते हैं, ये बच्चों साइक्लोहेक्साइल का रेडिकल, आप देखेंगे कि देर इज नो कंजुगेशन सिस्टम इन दिस कंपाउंड इन दिस स्ट्रक्चर एंड व्हेन रेजोनेटिंग व्हेन कंजुगेशन सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड देन रेजोनेंस विल नॉट टेक्स प्लेस। तो जब बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा? नहीं होगा बच्चों। तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 355, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन वन वुड प्रेडिक्ट द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एसिटामाइड। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में हमें कॉमेंट करना है, इट मीन्स करेक्ट स्ट्रक्चर पहचानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटामाइड। इन एसिटामाइड पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम इज प्रेजेंट एंड व्हेन लोन पेयर विल डीलोकलाइज टुवर्ड्स पाई बॉन्ड देन दिस सिग्मा विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई एंड दिस पाई विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा एंड सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन एज दिस स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, हमने ये बना लिया है स्ट्रक्चर। अब हमें क्या है, एक एक बात को पढ़ते जाना है कि क्या सही है इसके बारे में। वन वुड प्रिडिक्ट दैट द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एसिटामाइड, क्लियर है, इज पोलर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है बच्चों वो पोलर है? नहीं, ये तो नॉन पोलर निकला। पोलर मीन्स यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। हैज मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देन, हैज मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एसीटोन। देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पर होता है जो प्योर पाई होता है। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, इट मीन्स ये बच्चों प्योर पाई बॉन्ड है। क्या है? ये प्योर पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। और चूंकि ये प्योर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो कहता हैज मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कभी भी रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेटेड बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्योर पाई से ज़्यादा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ का कैसा ऑर्डर होता है, प्योर सिग्मा सबसे ज़्यादा लेंथ के होते हैं बच्चों, फिर उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेटेड बॉन्ड होते हैं, फिर उसके बाद बच्चों प्योर पाई। तो प्योर पाई सबसे कम इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पाई कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद पाई कैरेक्टर कहाँ पर होगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पार्टिसिपेटेड बॉन्ड में, क्लियर है बच्चों। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी गलत है। फिर कहता है कि जो सी ओ बॉन्ड है
एसिटामाइड का इज लॉन्गर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन डाईमिथाइल ईथर। बच्चों डाईमिथाइल ईथर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है बच्चों ये प्योर सिग्मा है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है क्या बच्चों ये प्योर सिग्मा है, और प्योर सिग्मा होने के कारण इसकी लंबाई जो है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? तो कहता है लेकिन इसमें ये क्या कहता है कि ये जो एसिटामाइड का सीओ बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। नहीं बच्चों, प्योर सिग्मा वाले का ज़्यादा लंबाई होता है। इट मीन्स ये जो डाईमिथाइल ईथर है बच्चों, डाईमिथाइल ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यही सबसे ज़्यादा लंबाई का होगा, ठीक है ना? तो ये भी गलत हो गया। फिर कहता है इज लॉन्गर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन, हाँ ये सही है। कहता है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये कहता है कि ये ज़्यादा लंबाई का होगा किससे, एसीटोन से, एसीटोन के सीओ बॉन्ड से होगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन के सीओ बॉन्ड में प्योर पाई बॉन्ड है, और बच्चों ये जो सीओ बॉन्ड है ये रेजोनेंस के कारण पाई सिग्मा बदल रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि ये प्योर पाई नहीं है। दिस बॉन्ड इज रेजोनेंस पार्टिसिपेटेड एंड रेजोनेंस पार्टिसिपेटेड बॉन्ड इज लॉन्गर देन प्योर पाई बॉन्ड। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कहता है इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग sp3 और वाइटल। कहता है कि ये नहीं, sp3 नहीं होगा बच्चों। देखिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जब आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तब भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, ठीक है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के बाद जो है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन बदलता नहीं है, वही का वही रहता है। क्लियर है? तो ये 20 का करेक्ट आंसर नहीं बच्चों। 356 विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टू द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो है बच्चों मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है। आपको पता है कि सबसे पहले हम न्यूट्रल ढूंढते हैं, तो न्यूट्रल तो ये खुद ही है ऑप्शन में चार्ज वाले सारे बच्चों, चार्ज वाले में फिर ऑक्टेट रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल को ढूंढना चाहिए। C+ अगर किसी भी स्ट्रक्चर में दिख जाए बच्चों वो कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता। ये भी C+ दिखा नहीं हो सकता। यहाँ पर बच्चों O+ दिखा है। O+ में कैसे चेक करेंगे? जब भी O+ दिखेगा ना बच्चों तो वो हमेशा तीन बॉन्ड बनाए हुए होगा, बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि O+ के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो तीन बॉन्ड बनाएगा बच्चों तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, ठीक है ना? ये तीनों इनकम्प्लीट वाले हैं। बट जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें सेकेंड मतलब जितने भी एटम है बच्चों सभी का ऑक्टेट कम्प्लीट है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज बी। ऑप्शन नंबर 357 में बच्चों से फिर से वही सवाल सेम टू सेम पूछा है। इस बार रेजोनेंस हाइब्रिड ही आपको बना करके दे दिया है, और आपसे बच्चों करेक्ट मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें देखना है, किस में चेक करना है बच्चों? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट रूल लगाना चाहिए चार्ज वाले में, तो यहाँ C+ दिखा तो इनकम्प्लीट ख़त्म हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए और मुझे कहीं पर भी C+ नहीं दिखा। ओके सो नाउ अब हमें क्या करना है, N+ चेक कर लेना है। तो N+ जब होगा ना N+ तो बच्चों वो हमेशा चार बोन बनाएगा, चार बोन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये ठीक है तीनों चल रहा है। उसके बाद बच्चों आ जाता है C-, में हमेशा कंप्लीट ऑक्टेट है, O- में भी कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये तीनों के तीनों कंप्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा EN रूल में हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज मोर EN एटम पर ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए C- है, इसमें O- है, इसमें भी C- है, क्योंकि देखिए सब में एक O- तो है ही, बट ऑप्शन नंबर सी इसका ज़्यादा करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि देखिए N+ सब में है, O- सब में है, ठीक है ना? यहाँ पर C- है बच्चों, यहाँ पर O- है, तो C- O- में ज़्यादा स्टेबल O- वाला होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 358 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एज यू नो
When two compound are resonating structure of each other, it means both will be interconvertible. When delocalization of pi electron takes place, then in first compound, then second compound will be obtained. इसके फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो बच्चों, पाई सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई व्हेन दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज एंड सिग्मा विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई एंड पाई विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये सेकेंड स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बट इन सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों देखिए, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम नेवर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। एटम का डीलोकलाइजेशन कभी भी नहीं होगा, है ना। मतलब स्ट्रक्चर नहीं बदलने चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं बदलने चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन इस टर्मिनल पर है ना बच्चों, तो जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें भी नाइट्रोजन टर्मिनल पर ही होने चाहिए। नाइट्रोजन टर्मिनल से अगर बीच में जा रहा है, इट मीन्स स्ट्रक्चर विल बी चेंज, है ना। डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम नेवर टेक्स प्लेस इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट इन ऑप्शन नंबर सी, इन ऑप्शन सी नाइट्रोजन टर्मिनल नाइट्रोजन इज कम फ्रॉम टू द इंटरमीडिएट, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो आप बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस, और इसमें बच्चों बीच वाला कार्बन टर्मिनल पर आ गया है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। इसमें बच्चों देखो, ऑक्सीजन बीच में था, ऑक्सीजन टर्मिनल पर चला गया, नहीं हो सकता। इसमें भी बच्चों देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ था, यहाँ पर नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ गायब कर दिया, इट मीन्स बोथ आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बच्चों ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।